अब हमने चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से फोर्सेस को घुमाने का असर, इससे हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स विद इट्स कंपोनेंट्स। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने फोर्स मालूम करनी है। इससे पिछले लेक्चर में हमने मालूम किया था कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करना किसी फोर्स के, लेकिन अब हम उन कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करेंगे, उसका उलट प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहले तो आप एक डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे जो पिछले लेक्चर में भी हमने बनाई है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने कंसीडर करना है एक फोर्स को। ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से हमने कंसीडर किया, ये हमारे पास एक फोर्स है जिसको ओ पी लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और इस फोर्स के हेड से हमने अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना हो कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये फोर्स का एक्स में हिस्सा होगा, इसको हम कहेंगे एफ एक्स, और ये फोर्स का वाई में हिस्सा होगा। यहाँ पर इसको बनाने के अलावा हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये हमारे पास है फोर्स का वाई में हिस्सा, इसको हम कहेंगे एफ वाई। इसको ओ पी और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास क्यू। आपकी बुक में जिस हिसाब से भी नाम दिए गए हैं आप वैसे भी दे सकते हैं। अब इसको हमने इस जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है इसको अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करना है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स लिखने के लिए। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसीडर किया है। वी हैव टेकन अ फोर्स और हमने फोर्स एफ ली है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ओ पी। और इस फोर्स को हमने ओ पी लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए थ्योरी लिखते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी डायग्राम में है उस सब को आपने मेंशन करना है। फिजिक्स में थ्योरी लिखने का यही तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी यहाँ पर डायग्राम में है इसको आपने यहाँ पर बताना होता है डिस्क्रिप्शन में। कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं थ्योरी को, लगे पड़े रहते हैं, आपने ये नहीं करना, आपने इस डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना है थ्योरी के अंदर। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही किया। लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने कंसीडर किया और उसमें हमने एक फोर्स ली है जो फोर्स एफ है और इसको हमने ओ पी लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन उसके बाद हमने क्या किया है, और ये फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, इसको भी आपने मेंशन करना है। फोर्स एफ मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। वी कैन डिवाइड द फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, हम फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तब्दील कर सकते हैं। हम फर्ज करते हैं लेट ओ क्यू एंड पी क्यू, ये हमारे पास है ओ क्यू और ये हमारे पास है पी क्यू, ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ये फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं रिस्पेक्टिवली।
इसको हम कहते हैं कि एफ एक्स एंड एफ वाई रिस्पेक्टिवली। जो ओ क्यू है ये हमारे पास एफ एक्स के बराबर है, और जो ओ पी है या पी क्यू है, इसको हमने पी क्यू कहा हुआ है, ये हमारे पास एफ वाई के बराबर है। अब ये डिस्क्रिप्शन में आपने ये थ्योरी लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेड टू टेल रूल लगा हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल आपस में जुड़ी हुई है और रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। ये सब आपने लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है हेड बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की मदद से हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास है ओपी। ओपी कैसे निकलेगा? ओ क्यू प्लस पी क्यू, इनको जमा करने से ओपी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ओपी रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये किस तरह से आएगा? ओ क्यू और क्यू पी या पी क्यू, इन दोनों को जमा करने से। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ओपी की वैल्यू हमारे पास है एफ, इसकी जगह पर आ जाएगा एफ, और ओ क्यू की जगह पर आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ पर आ गया एफ एक्स, और प्लस पी क्यू की जगह पर आ जाएगा एफ वाई। ये हमारे पास इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से हमने फोर्स तो निकाल ली है, अब हमने जो निकालना था वो हमने निकाल लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स को हमने मालूम कर लिया है, लेकिन एक काम हमने और भी करना है। वो काम कौन सा है? कि फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है, तो वो मैग्नीट्यूड भी मालूम करेंगे और साथ ही डायरेक्शन भी होती है, इसीलिए डायरेक्शन भी फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए यहाँ पर ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इस लाइन को, इसका स्केयर लेंगे दोनों तरफ, इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। इस स्टार का हमने क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्केयर करेंगे तो ओपी का भी स्क्वायर, ओक्यू का भी स्क्वायर, और साथ में प्लस पी क्यू का भी स्क्वायर, और इसकी वैल्यूज़ एफ है, एफ का भी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का भी स्क्वायर और प्लस एफ वाई का भी स्क्वायर कर देंगे। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे। अगले आपने इससे अगले स्टेप में ये करना है। यहाँ पर जगह भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एफ बचेगा, इधर बच जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस एफ वाई का स्क्वायर और होल का रूट। ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड के लिहाज से। अब इसकी डायरेक्शन निकालनी है। फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक लाइन को आपने फॉलो करना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसका आखिरी फिक्र जो है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो में पहला टेन है और प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर का पी ले लें और ब्रशिंग का बी ले लें। बेस बटा परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के अंदर देखें पी क्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू बटा बेस हमारे पास है ओ क्यू, और इनकी वैल्यू पुट करें तो पी क्यू की वैल्यू है एफ वाई, यहाँ पर आ जाएगा एफ वाई, और ओ क्यू की वैल्यू है हमारे पास एफ एक्स, तो ये हमारे पास आ गया टेन थीटा। और यहाँ से हम थीटा को सब्जेक्ट करें तो टेन उधर जाकर इन्वर्स हो जाता है, तो ये बन जाएगा टेन इन्वर्स, साथ में आएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास थीटा निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए। ये फोर्स, ये हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन, ये तीन चीज़ें आपने निकालनी होती है इस लॉन्ग में। तो ये लॉन्ग यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी थ्योरी लाजमी लिखेंगे, अगर थ्योरी नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे।